तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का डिस्कशन। तो हम चलते चलते अब 1600 से 1947 तक आ चुके हैं। हमने सारे जितने दीवानी राइट्स मिले थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, चार्टर एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेगू केलम्स फाउंड रिफॉर्म, साइमन कमीशन और पूना पैक, कम्युनल अवार्ड जो दिया था वो, इसके अलावा डायकी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनल इलेक्टोरेट्स और ऑगस्ट ऑफर, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। अब सबसे लास्ट में इंडिया आजाद होने वाला है, इवन आजाद हो जाएगा इस वीडियो के समाप्त होने तक। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हम देखेंगे, उसके बाद हमारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन से और पॉलिटी की वो खत्म हो जाएगी। फिर हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनता है, क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो से होगा। अभी हम ये देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो क्या हुआ, हमारा 1946 में डिमांड तेज थी, इवन वर्ल्ड वॉर टू में हमारी डिमांड थी कि हम इंडिया को एक सेपरेट नेशन अब चाहिए, डिक्लेयर करो। इधर मुस्लिम लीग जो था वो अपना एक पाकिस्तान को सेपरेट चाह रहा था, डिवीजन का बोल रहा था। तो ये डिवीजन वाला प्लान बहुत दिनों से चल रहा था और चलते चलते अब इस समय बिल्कुल एपिटोम पे पहुंच गया। और क्या हुआ कि 3 जून 1947 को जो उस समय के वाइसरॉय थे इंडिया के, लॉर्ड माउंटबेटन, वो मिलते हैं एक माउंटबेटन प्लान नाम से, एक प्लान बनता है माउंटबेटन प्लान, उसको पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं। और उस समय ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है, एक्सेप्टेड हो जाता है कि अब दो डोमिनियन बनेंगे, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो बाउंड्री होगी वो एक रेड क्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे जो अपॉइंट किए गए थे, तो रेड क्लिफ लाइन के उसके बेसिस पे ये बाउंड्री खिंचेगी, सेपरेट करेगी इंडिया और पाकिस्तान को। तो इससे रिलेटेड एक मूवी थी, एक मतलब कुछ दिन पहले आई थी, नाम मैं उसका भूल गया, उसमें एक ब्रॉथेल की स्टोरी थी कि किस तरह से ब्रॉथेल बीच में आ रहा था वो क्लिफ लाइन के बीच में, रेड क्लिफ लाइन के बीच में। तो वो सारी चीज हमारी 3 जून 1947 को डिसाइड हो गई कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, एक सेपरेट डोमिनियन बनेगा और पाकिस्तान सेपरेट डोमिनियन बनेगा 1947 15 अगस्त को, ठीक है। तो यहां पर ऑफिशियली एक्सेप्ट हो चुका था। और उसके बाद फिर जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, उसमें यह घोषित किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट डोमिनियन हो गए। दूसरा उन्होंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अगर चाहें तो अपना जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है वहां से निकल सकते हैं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या है, एक ग्रुप ऑफ नेशंस जहां जहां पर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई, ठीक है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं वो उन कंट्रीज के होते हैं जहां पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी। तो उन्होंने आजादी थी अब इंडिया के पास कि वो इंडिया अलग होना चाहे कॉमनवेल्थ से तो अलग हो सकता है। इसके बाद इसका एक और फीचर था, उस फीचर में यह था कि जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया, एक सॉवरेन बॉडी घोषित कर दिया कि अब आप अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये उन्होंने बोला। इसके अलावा जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी, यानी कि अभी तक जो भी इंडिया में फैसला लिया जा रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में होता था, ठीक है। तो जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी थी उसको एबोलिश कर दिया कि भाई आज से ब्रिटिश पैरामाउंटेसी खत्म हो गई। और वाइसरॉय का जो ऑफिस था उसको भी खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया। और इंडिया को पूरी आजादी दे दी कि आप अपने इंटरनल डिसीजन, अपने इंटरनल अफेयर्स जो हैं उसको देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था वो भी खत्म कर दिया, यानी कि जो भी चीज थी जो कि ये शो कर रही थी कि ब्रिटिशर्स आर नाउ, कि ब्रिटिशर्स वर द मेन की एलिमेंट्स टू हैव अ गवर्नमेंट पोर्शन इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, सो दैट ऑल दी थिंग, ऑल दीज ऑफिसेज वर एबोलिश इन दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो जो भी चीजें थी, जो भी ऑफिसेज थे जो ब्रिटिशर्स के थे, सारे ऑफिस को मतलब उनको एबोलिश कर दिया गया। और उसके बाद एक्चुअली घोषित हो गया कि जो इंडिया है अब वो इंडिपेंडेंट है और पाकिस्तान भी अपना इंडिपेंडेंट था। पर हमें ध्यान रखने वाली चीज जो है, मतलब हमारे लिए इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस एक्ट से जो हमें देखना है वो ये देखना है कि इसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अब सोवरेन बॉडी बनी थी, अभी तक सोवरेन बॉडी नहीं थी। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको बताया। इसके बाद इंटरिम पार्लियामेंट, इंटरिम गवर्नमेंट, ये सारे कंसेप्ट अभी धीरे धीरे आगे और वीडियोस आएंगी तब समझ में आएगा आपको, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना आप, ठीक है। तो हमारा इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट हिस्ट्री जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब पूरी जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो समाप्त होती है। अब नेक्स्ट पोर्शन होगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
keywords regarding constitution, salient features of Indian constitution, difference between written and unwritten constitutions, मतलब basically types of constitution, फिर written unwritten constitution होगा उनको देखेंगे, फिर हम देखेंगे federal polity, unitary polity, Indian जो constitution में बताया गया है, वो सब देखेंगे, इसके अलावा जो हमारी constituent assembly बनी थी उसका composition वगैरह भी, जो factual information है, objective resolution और ये सारी चीजें देखेंगे, और फिर हमारा आगे वाला part जो polity वाला part वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बने रहिए, हर वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है, नीचे अवेलेबल है, उसको क्लिक करके, और आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, और जो भी क्वेरीज होंगी उसके रिलेटेड मैं क्लब करके 4-5 क्वेरीज को एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।